भाइयों बहनों युवा मित्रों और माध्यम के मेरे दोस्तों, ये जो समारंभ हो रहा है यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो आप जमा हुए हैं, ये केवल सभी लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, सभी लोग आज ये चाहते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद जो अन्याय और अत्याचार दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए और आंदोलन छेड़ने के लिए आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और उसी तरह से जो इस मंच पर बैठे हुए अनेक नेता इसको इकट्ठा करने में, एक ही बनाने में और यूनिटी लाने में सभी लोग अपना जात पात भूलकर सिर्फ कौज के लिए एक हुए हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। भाइयों, आज का जमाना बड़ा कठिन है, ऐसा वक्त पिछले 70 साल में हम कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ अपराध होता है और हर सप्ताह कम से कम 11 दलित लोग मारे जाते हैं और 6 महिलाओं पर हर दिन अत्याचार होता है और 10 सालों में इधर की पूरी इतिहास हम अगर लेंगे तो ये 4 साल में जो अन्याय बढ़ रहे हैं, जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा है। कम से कम 66% 86% आज अन्याय ज़्यादा हो गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं कि जब सरकार जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करती है, उसी लिए ये बढ़ रहे हैं, मुश्किलात को बढ़ा रही है। इसीलिए चाहे वो गुजरात में ऊना का घटना हो, चाहे वो यूपी में हो रही घटनाएं हो, ऐसे बहुत से, और खास करके यहाँ पर भी जो विद्यार्थियों के ऊपर भी, जो वेमोला के ऊपर जो घटना घटी, वो भी सबको मालूम है। तो इसलिए हमको एक होके लड़ना है और इस लड़ाई में सभी इकट्ठा बन के ही अगर लड़ेंगे तो हमारे समस्या का हल हो जाएगा। अगर हम टूट के रहेंगे, यूनाइटेडली वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एक होके लड़ेंगे हम अपने हकूक भी हासिल कर लेंगे और अत्याचार करने वालों का भी मुकाबला हम करेंगे। तो इसलिए मेरा यही आपसे निवेदन है कि पार्लियामेंट में जो भी समस्या हमारे सामने आती है, उसके लिए अगर बाहर से हमको प्रोत्साहन नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, कोऑपरेशन नहीं मिला, तो हम वहाँ पर कितना भी पुकारेंगे, कितना भी कहेंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा।
अगर हम जो आवाज उठाते आपके तरफ से अगर बाहर भी वही आवाज उठाई गई, अगर उठाया गया तो मैं समझूंगा तो उसको शक्ति मिलती है। आज उस हमें शक्ति मिलना है तो ऐसी सभाएं ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ट्राइबल एरियाज में भी आप क्या हो रहा है, बहुत से वहां पर बच्चियों को, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके जमीन छीने जा रहे हैं, उनका घर बर्बाद किया जा रहा है। वैसा ही जो दलित गांव में रहते हैं उनका छुआछूत तो छोड़िए अभी हर जगह अभी है, और उसको दूर करने की तो आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है वो तो करेगी नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान बदलने की बात करते हैं, और वो खासकर उनके एक मंत्री ने ये कहा कि हम चुन के आए हैं इसलिए कि संविधान को बदलने के लिए, और उस वैसा आदमी वैसा इंसान आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में है। वो कर्नाटक से आता है और कर्नाटक में भी यही भाषा बोलता है, इसीलिए हमने लोकसभा में आवाज उठाए और उसी तरह राज्यसभा में भी उसका आवाज उठाए। आखिरी में उन्होंने माफी मांगा। माफी मांगने से काम नहीं होगा। संविधान बदलने की बात क्यों आ गई, संविधान बदलने की बात क्यों वो लोग कर रहे हैं, खास करके आरएसएस के लोग इसके पीछे गिरे हुए हैं। तो हमको एक तरफ संविधान का रक्षण करना है, एक तरफ लोकतंत्र का रक्षण करना है, दूसरे तरफ हमको जो हकूक मिले हैं 1989 में जो दलितों के हिफाजत के लिए एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो बनाया गया था उसको भी तोड़ मोड़ के आज ये सरकार पेश कर रही है। हम बहुत कोशिश किए कि उसको ऑर्डिनेंस लाने की, लेकिन जब हमने एक छोटा सा समय मुझे मिला था तो उस वक्त उस एट्रोसिटी एक्ट को हमने एक ऑर्डिनेंस के रूप में लाया, लेकिन जब 2014 में उनकी सरकार आई तो उसको उन्होंने पास करने नहीं दिया, और उसके बाद में फिर जब उसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी लेटर लिखा मोदी जी को और ये कहा जो कानून हमने पहले बनाया था 2013 में और 2014 में जो ऑर्डिनेंस के रूप में आया था उसी को पास करना चाहिए, तब वो कानून आज पास हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदलाव करने की पूरी उन्होंने सरकार को सलाह दी, लेकिन सरकार के तरफ से उनका कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके उस केस के बारे में कुछ नहीं कहा, लड़ा नहीं, इसीलिए आज वो केस वैसा की तैसा है। और जो शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया एक सख्त कानून था वो सख्त कानून को उन्होंने बर्बाद कर दिया, उसीलिए हमको लड़ना है, उस कानून को मजबूत करना है। उस मजबूत करने के लिए ही हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वरंगल ऐसी जमीन है जहाँ पर हमेशा क्रांति की बात होती है और यूनिटी की बात होती है, और आज वो यूनिटी आपने दिखाया है और हम आपके ओर से पार्लियामेंट में लड़ते रहेंगे, आप जो भी कहेंगे और यहाँ पर जो भी आपके निर्णय होंगे उसके बारे में पार्लियामेंट में हम उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं इतनी बात कहते हुए मेरे को यहाँ पर आज बुला के जो मंदा कृष्णा और दूसरे जो सभी दूसरे पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग हैं, मैं किसी एक का संगठन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो तो आगे हैं, लेकिन दूसरे संगठन भी इसको मजबूती के साथ जो साथ दिए हैं उन सबको मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जो शक्ति
आप बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मेरे शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।